Good morning, student. Today's teach ENV lesson 11. Subject कौन सा? ENV. Chapter 11. ENV. Plants around us. Plant around us. प्लांट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या होते हैं? खूब सारे प्लांट्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, इसलिए हम उनसे ऑक्सीजन ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं, तभी हम अच्छी तरह जी पाते हैं। अगर प्लांट्स हमारे लाइफ में नहीं होंगे तो हमको वेजिटेबल्स कहाँ से मिलेगी, फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे? ओके, तो हमारी लाइफ में वेजिटेबल प्लांट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। प्लांट्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, एक बार फटाफट उसका रिवाइज कराते हो। विजिट ए पार्क और ए गार्डन, बुक को लेकेगा सब। विजिट ए पार्क और ए गार्डन, यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिखाई देंगे। लुक एट देम केयरफुली, और उसको अच्छी तरह से देखिए। पेस्ट ऑन, ये वाला पेज निकालो। सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, दे डू नॉट ग्रो वेरी मच, वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्पिनिच, टोमेटो प्लांट। देखिए स्मॉल प्लांट, मैं ब्लैकबोर्ड पर देखते जाइए, कुछ प्लांट स्मॉल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं स्मॉल प्लांट? पालक की सब्जी खाते हो? हाँ। तो पालक के पत्ते छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो उसको क्या कहेंगे? स्मॉल प्लांट, स्पिनिच। स्पिनिच और टोमेटो प्लांट, स्पिनिच और टोमेटो प्लांट। बिगर प्लांट, रोज बुश प्लांट, सनफ्लावर प्लांट और
हिबिस्किस प्लांट। थ्री है, सम प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट कौन से होते हैं? टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स कौन से होते हैं? कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री, देख लीजिए, पाइन ट्री, पाइन ट्री, नीम ट्री। उत्तर लिखिए।
सामने देखिए ऐसे बुक करने को कहा आप आते हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, कुछ प्लांट जो होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं क्लाइंबर्स। सपोर्ट डैश प्लांट सपोर्ट टू क्लाइंब। सम प्लांट्स cannot stand straight. STRAIGHT straight. They need a support. Some plants cannot stand straight. They need a support to climb up. They are called climbers. Some plants cannot stand straight. They need a support to climb up. They are called climbers. अब आता है leaf. Most plants appear green white. Most plants जो है वो green क्यों दिखते हैं? Because they are covered with green leaves. Most plants. Appear green. Why? बुक सामने रखो। कल से सारे बुक लेके आएंगे। जो भी वीडियो में मैं बनाऊ आपकी भी बुक ओपन होनी चाहिए, समझ गए? Most plants appear green because they are covered. Because they are covered with green leaves. और लीव्स भी जो है वो कैसी होती हैं? डिफरेंट साइज और शेप की होती हैं, ओके? लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर ग्रीन। अधिकतर वो सब कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं, ओके? उसके बाद आता है फ्लावर्स, FLOWERS. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। फ्लावर्स आर द प्लांट में सबसे ज़्यादा अच्छे जब रेड येलो कलर के फ्लावर लगते हैं तो वो सबसे अच्छा दिखता है। एनिल पीछे क्या है? तो फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स of a plant. Flowers are the most beautiful parts of a plant. Flowers. Green parts को क्या कहते हैं हम? Leaves.
जो ट्री के ऊपर जो रहता है उसको हम क्या कहेंगे? ट्री। बताना कि चैप्टर नंबर 11 आएगा। राइट
अच्छी स्मेल होती है, और हिबिस्किस की बहुत अच्छी होती है, सनफ्लावर की अच्छी होती है, कुछ प्लांट्स की अच्छी स्मेल होती है। स्टे सेफ स्टे हेल्दी। ये प्लांट देख लीजिए अच्छी तरह से, आपको बुक में है ना चैप्टर नंबर 11, कल करके आइएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है।